कल हम विकास जी ने छोड़ा के हम रख दिए पैसा हम जाने के लिए डॉक्टर करे। हमारे दुकान है ना 16 साल से। क्या बोल रहे हैं? पुलिस नहीं सुनता था, अभी आया है पुलिस, 2 घंटा के बाद आया है पुलिस, हमने अभी फोन किया है, गया था, हम आए हैं दौड़ के। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए 3 दिनों से लगातार जो है ठंड बढ़ गया है और ऐसे में जो है चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी का तस्वीरें जो है मीनापुर क्षेत्र के पखनाहा का तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो है देर रात्रि 5 दुकानों में चोरी हुई है, जहां से लगभग लाखों रुपए के संपत्ति को चोरों ने चोरी कर लिया। और यहां का तस्वीरें जो है अभी आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं पूरी तरह से जो है कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया हुआ है। और देख सकते हैं जो आपको तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं जो सीसीटीवी होता है जो अपने दुकान में लगाए रहते हैं वो भी तोड़ दिया गया हुआ है, और ताला भी कई जगहों पर फेंक दिया गया हुआ है। और वही पुलिस प्रशासन पर भी इन लोगों के द्वारा कई बार इसके सूचनाएं दी जाती है, मगर अभी तक कोई जो है इस पर सुनवाई नहीं होता है। यहाँ पर दुकानदार है जो यहाँ पर रहते हैं, कैसे पता चला है? सुबह में जैसे मेरे साथी लोग आए हैं दुकान खोलने, तो फ़ोन करके बोले हैं जैसे कि आपका दुकान का ताला टूटा हुआ है, शटर उठा हुआ है, तो उसमें से वही आने के बाद पता चला है जो लैपटॉप और कई अन्य सामग्री गायब है दुकान से। लगभग कितना का? लगभग वही लाख प्लस समथिंग। हाँ, यहाँ पे कहाँ कहाँ सब स्थानीय है, लेकिन 5 से 7 आदमी का दुकान में चोरी हुआ है। 5 दुकान? हाँ, 5 से 7 ऐसे अभी देखा जा रहा है। सब अपने अपने लोग आकर देख रहे हैं जो कैसा कैसा माहौल है उसी के हिसाब से देखा जा रहा है। अभी तक पुलिस आई? पुलिस को लगभग 6 बजे कॉल किया गया है। अभी 7:30 में हम यहाँ आए हैं, 7:30 में यहाँ आए हैं, तो देख रहे हैं कि कैमरा नोचा हुआ है, शटर उठा हुआ है, तो हम सब लोग को फोन किए हैं। पूर्व में भी 2-3 बार चोरी हो चुका है। हाँ, इसी दुकान में, वहाँ से ऊपर से 3रा बार हो रहा है इस दुकान में। और एक और बात है, 9:41 पे सीसी कैमरा का फुटेज है, आपको मिल जाएगा। 9 बजे? हाँ, 9 बजे ही चोरी हुआ है। देख सकते हैं कैमरा का हालात, देखिए कैमरा भी टूट चुका है, और आपको तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे जो है आसपास के जो है लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो है दुकान का भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ पे घना आबादी वाला यह चौक है, और यहाँ का स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। और यहाँ का स्थिति अभी आपको दिखाएंगे, जहाँ पे जो है लोगों का जो है जमावड़ा जो है, और NH 28 के ठीक सामने जो है पखनाहा चौक पड़ता है, और यहाँ का स्थिति अभी आपको दिखाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे जो है काफ़ी ठंड भी है, और लगातार जो है काफ़ी जो सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर, जो NH के बगल का दुकान में ऐसी घटना हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं सीधा तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे, जहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। और अभी का जो तस्वीरें हैं, अभी का बहुत बड़ी खबर जो है रूबरू अभी आपको करा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है अभी पहुँचा है और तफ्तीश कर रहा है। और यहाँ का जो है अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कई दुकान है जो पूरी तरह से जो है चोरी हो चुका है, और स्थानीय लोगों के द्वारा कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लाइफ खींच लीजिएगा, हम नहीं देखे हैं क्या बजे हुआ, हम घर चल जाते हैं, हम क्या जानते हैं, हम तो ताला मार के 8 बजे चल गए घर। एमे परचून का सामान था, जूता था, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया था। कल हम विकास जी में छोड़ा के हम रख दिए पैसा हम जाने के लिए डॉक्टर करे। हमारे दुकान है ना 16 साल से, एकदम 25 साल से घूम के, 15-16 साल से दुकान है हमार। इसी से परिवार, हमारा ही से परिवार चल रहा है। पुलिस जी अभी आया है, 2 घंटा के बाद पुलिस आया है। क्या बोल रहा है? पुलिस नहीं सुनता था, अभी आया है पुलिस, 2 घंटा के बाद आया है पुलिस। हमें सिंगार का सामान था, जूता छाट था, लॉटरी था, 10,000 रुपया था, ये मेरा गायब हो गया। सुबह जी हमने अभी फोन किया है, गया था, हम आए हैं दौड़ के। देख सकते हैं यहाँ का स्थिति है, पानापुर ओपी भी पहुँच कर पूरे मामले की जांच कर रही है, और यहाँ का तस्वीरें जो है अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ भी एक दुकान है, यहाँ पर भी जो शटर तोड़ कर यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है, और यहाँ का तस्वीरें जो है अभी आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुँच कर जो है पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, और देख सकते हैं तमाम जो है ईंटा हटा कर जो है घटना को अंजाम दिया गया हुआ है। और
लगातार जो है ऐसी घटना जो है मीनापुर क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगातार घटना घट रही है। और देख सकते हैं ईंटा को है, ईंटा को तोड़कर और शटर तोड़कर ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से जो है पूरे मामले को बारीकी से देख रहे हैं और देखने में तो चोरी हुआ है, इन्हें है जो चोरी हुआ है उसका छानबीन किया जा रहा है। कितने हैं दुकान? अब कितना है दुकान? देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि सर यहाँ लगातार हम तो नहीं थे, नए हैं जी। जी कल बोला जा रहा है शाम 9 बजे? नहीं रात्रि, मैंने रात्रि के 9 बजे उनके कैमरा में टाइमिंग है इसलिए बोला जा रहा है। कैमरा में कैद भी है, टाइमिंग है तो चेक करल जा रहा है लगने पर। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो है अपडेट अभी आपको दिखा रहे थे। और ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।